Hey guys, my name is Akash and welcome back to my channel. This video is just for entertainment purpose and I hope you guys like this video. If you guys like this video, then make sure you like, subscribe and click on the bell icon and never miss a video from my channel. So guys, आज की वीडियो में मैं बनाने वाला हूँ नैनी, जो कि शिनचैन का एक करेक्टर है। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं और बनाते हैं नैनी। तो नैनी का फेस एक किस्म का तरबूज की तरह है, लेकिन तरबूज ऐसा कि उसके हथौड़ा पड़ चुका और वो मतलब क्या कहते होते हैं उसको, ऐसे हो गया हो। तो अब इसलिए सबसे पहले हम इसका सर बनाते हैं, क्योंकि इसका सर अजीब सा है। सबसे पहले वहाँ से शुरुआत हम वहाँ से करेंगे और इसका सर बनाते हैं, और उसके बाद हम बनाने वाले हैं इसके कान। इसके कान शिनचैन के जो हैं थोड़े नोकीले टाइप के हैं, इसके थोड़े गोल टाइप के हैं। और उसके बाद हम इस फेस बनाते हैं इस तरफ से। इसका फेस भी शिनचैन के फेस शेप की तरह ही है, बस हमने इसको बाल वगैरह बना दिए और लड़की बना दिया। बाकी इसके बाल अजीब ही हैं, पता नहीं कैसी कार्टून है ये। कार्टून अच्छी है, बस उन्होंने एनिमेशन जो बनाया अजीब ही है। नैनी की पोनी बन गई। और इसके बाद अब हम बनाने वाले हैं लाइनें, इसके हेयर की लाइन, यहाँ पे भी लाइन है, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे भी। उसके बाद यहाँ पे थ्री लिखा हुआ है, थ्री टाइप का कुछ बना। और इन्होंने यहाँ पे बनाई है इसकी पलकें। उसके बाद हम बनाने वाले हैं इसकी आईज़। तो आईज़ बनाने के लिए बस हमने दो सर्कल ही ड्रा कर देने। ये एक आँख बन गई, ये दूसरी आँख बन गई। उसके बीच में हम एक और सर्कल ड्रा कर देते हैं। इसकी आंखें बन चुकी हैं। अब हम इसमें दो ऐसे आधे आधे सर्कल बना देते हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसका भी मुंह वैसे ही खोल देना जैसे शिनचैन हमेशा मुंह अपना खोल के रखता है। और अब हम नैनी के कॉलर बनाने वाले हैं, शर्ट के कॉलर। उसके बाद हम बनाने वाले हैं नैनी के कपड़े। तो नैनी के कपड़े बनाने के लिए हमें ऐसे दो लाइन लगानी है, और उसके बाद जैसे समुंदर की लहरें बनाते हैं वैसे बना दें ऐसे, और इसके हाथ आप पीछे की जानब छुपा दें, जैसे पीछे की जानब छुपा दें, जैसे नैनी कोई चीज़ छुपा रही है सबसे। अब हमने बनानी है इसकी फ्रॉक, और इसकी फ्रॉक के लिए भी दो लाइनें ऐसे लगा दें और फिर से समुंदर की लहरों टाइप बना दें, और इसके बीच हम लाइनें लगा लेते हैं ऐसे। अब हमने इसकी टांगे बनानी है, तो जैसे ग्लास बनाते हैं वैसे आप लाइनें लगा लें। और उसके बाद हम नैनी के शूज़ बनाते हैं। शूज़ बनाने के बाद हम नैनी की जुराबें बनाते हैं। ये नैनी की जुराबें बन गई हैं, और अब ये नैनी बन चुकी है। अब हमने करना है इसको कलर, तो चलिए अब हम इसको कलर करते हैं। सो गाइस, अब हम इसको कलर करने लगे हैं, और कलर करने के लिए सबसे पहले हम नैनी के मुंह को कलर करेंगे, जो कि इसका मुंह खुला हुआ है। अब हम इसको ब्राउन कलर से ऐसे कर देते हैं ब्राउन कलर, और ये नैनी का मुँह हमने भर दिया। और उसके बाद हम अब नैनी की जो पोनी लगाई हुई है इसने, इसको हम ग्रीन कलर करेंगे। ग्रीन कलर करने के बाद अब हम इसके हेयर को कलर करेंगे। इसका हेयर का कलर ब्राउन टाइप का है। नैनी तो बस कार्टून में बकवास ही गेमें खिलाने के लिए बैठी रहती है उनको, ऑफिस ऑफिस खेलने के लिए।
ये सबसे ज़्यादा इरिटेटिंग करेक्टर ये लगता है शिनचैन का। और शिनचैन भी इरिटेटिंग करेक्टर है, लेकिन वो मेन करेक्टर है। कभी कभी मुझे तो गुस्सा आ जाता देख देख के, क्योंकि वो कुछ ज़्यादा काम ख़राब कर देता है। लेकिन शिनचैन की ऐसी स्टोरीज बनाते हैं कि स्केरी जो स्टोरीज होती हैं स्केरी को भी फनी में ये तब्दील कर देते हैं। ये कितना डिफरेंट कलर लग रहा है वीडियो में, ऐसा कलर तो नहीं है रियल में, लेकिन इसमें डिफरेंट लग रहा है फुल। ये क्यों लग रहा है डिफरेंट, ये इस तरह का कलर नहीं है। और उसके बाद जो इसके शूज़ हैं उसका भी कलर सेम ही है, लेकिन अब वीडियो में दूसरा लग रहा है कलर वैसा नहीं है। ये तो कलर बिल्कुल चेंज आ रहा है वीडियो में। ये इसकी कोई सेटिंग पता नहीं ख़राब हो गई है कैमरे की, इस वजह से ऐसे लग रहा है। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, अब डार्क ब्राउन कलर करते हैं हम इसमें थोड़ा। देखो डार्क ब्राउन कलर तो पहचाना ही नहीं जा रहा उसमें, पता नहीं क्या है कलर की सेटिंग ख़राब हो गई है। ठीक से कैमरा नहीं कैच कर रहा कि कलर कौन सा है, कुछ भी दिखा रहा है। ओके, अब हमने नैनी के बाल बना दिए। और उसके बाद अब हम कलर करने वाले हैं। नैनी के कॉलर तो वाइट कलर के होते हैं, इसलिए हमने कोई कलर नहीं करना इसमें। और इसकी जो शर्ट है वो बेबी पिंक है, इसमें हम पिंक कलर करते हैं। शर्ट में हम पिंक कलर करने वाले हैं। और उसके बाद हम करने वाले हैं जो इसका फ्रॉक है वो थोड़ा डार्क टाइप का पिंक है, वो कर देंगे। मैंने ये चीज़ गौर की है कि जो पेंसिल कलर हैं वो जब हम भरते हैं तो आवाज़ आती है, मतलब इस तरह की, वैसे मार्कर कलर्स की नहीं आती। और ये भी है कि पेंसिल कलर से कलर करने के बाद हमारी उंगलियां थक जाती हैं जल्दी, लेकिन मार्कर कलर करने से नहीं थकती। अगर मार्कर पतले कलर हों तो फिर तो बंदा थक जाता है। अब हम इसके फ्रॉक को कलर करने वाले हैं डार्क पिंक से। उसमें कलर तो बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट लग रहे हैं, लेकिन अब सेटिंग आप चेक करनी पड़ेगी। ओ, मुझे इस चीज़ से नफरत है, ये जो आप टूट गया सिक्का, लेकिन कर लेता हूँ कलर, मुझे शार्प ना करना पड़ेगा। मुझे गुस्सा आता रहता है शार्प करते वक्त। हो जाए कर दिया मैंने किसी तरीके से, बस हो गया। हो, अब हम करने वाले हैं इसके फेस को कलर। इसकी जराबें जो हैं वो तो वाइट कलर की हैं। उसके बाद हम इसका फेस कलर करने लगे हैं। अब ये कलर कैसा लगेगा मैं देखता हूँ कैमरे में। ये भी थोड़ा ज़्यादा कलर लग रहा है, मतलब हल्के कलर हैं उनको ज़्यादा तेज़ी से दिखा रहा है कैमरा, ये प्रॉब्लम आ रही है। उसके बाद हम इसकी लेग्स में कलर करते हैं। ऐसे कलर करने के बाद अब हम ऑरेंज कलर करेंगे। अब हम ऑरेंज कलर करके इस थोड़ी सी डिटेल बना देंगे, मतलब इसके किनारों को ना थोड़ा लगे कि कुछ हमने डिटेल ऐड की है, नहीं तो कार्टून उन्होंने नहीं की हुई इतनी। देखिए मुझे आदत पड़ चुकी है ऐसे करने की, इसलिए मैं कह रहा हूँ। इसी तरह इसकी हम लेग्स में भी ये कलर भर देंगे। और अब ये कलर थोड़ा सा भर देते हैं।
तो ये हमारी नैनी बन चुकी है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साइड में बने हुए बेल के आइकन पर भी क्लिक कीजिए। तो हम आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Live life.